Hello to all of you dear students. Today I am going to explain you about our NCERT textbook first unit, that is electrostatic. Now this unit contains of two chapters. This specific unit contains two chapters. Chapter number 1 that is electric field and electric charge, and second chapter electric potential and capacitance. So our first unit contains two chapters. Chapter number 1, that is electric charge and fields, and second chapter, that is electric potential and capacitance. Now in our today's session we are going to discuss chapter number 1, electric charges and fields. So before I start with this chapter, this chapter is very important for 12th standard. Alright, now in our today's session I'm going to explain first topic, that is charge. Alright, now so as we know that there is no specific definition of mass, as well as there is no specific definition of charge. Alright, now but here I'll explain the definition. It is the intrinsic property of elementary particle. Which gives rise to the electric force, comma, it is also known as Coulombian force, between various object all right see here dear students, something is very important. Okay, तो मैंने यहाँ पर आपको चार्ज का डेफिनेशन तो समझा दिया. इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी है ये किन की, तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स की. जब अभी आप क्वेश्चन पूछोगे सर एलिमेंट्री पार्टिकल मतलब क्या, तो आपको पता है बेटा कोई भी मैटर है उसके अंदर एटम्स आए होते हैं, चाहे एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट्स होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन होता है. तो अब तक जो हमारी समझ है वो कुछ इस तरह से है कि सबसे जो बेसिक मटेरियल है वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन.
इसी वजह से, मतलब इसी पार्टिकल्स की वजह से पूरा मैटर बनता है। तो ऐसे पार्टिकल्स को हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स बोलते हैं। तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से वेरियस ऑब्जेक्ट के बीच में इलेक्ट्रिकल फोर्स प्रोड्यूस होता है, उसको बोला जाता है चार्ज। एवरीबॉडी क्लियर? ठीक है, इसको याद रखना आप। चले नाउ, ये चीजें आपको बेटा याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, ऑल राइट। नाउ मेनली वी हैव टू टाइप ऑफ चार्ज। लेट मी टेल यू, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट चार्ज देन वी हैव टू टाइप ऑफ चार्ज। फर्स्ट वन, एंड सेकेंड वन। फर्स्ट वन दैट इज पॉजिटिव चार्ज, एंड सेकेंड वन दैट इज नेगेटिव चार्ज। जनरली वी आर टेकिंग प्रोटॉन्स एज पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन एज नेगेटिव चार्ज। जनरली वी आर टेकिंग प्रोटॉन्स एज पॉजिटिव चार्ज वाइल इलेक्ट्रॉन एज नेगेटिव चार्ज। नाउ हियर वी हैव ओके, मास एंड चार्ज, ऑल्सो हियर मास एंड चार्ज। सो मास ऑफ दी प्रोटॉन एंड चार्ज ऑफ दी प्रोटॉन, सो वैल्यू ऑफ मास दैट इज 1.67। ऑल राइट, मास इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो 1.67 इंटू 10^-27 के जी, एंड चार्ज दैट इज +1.6 इंटू 10^-19 कूलम। ऑल राइट, एज वेल एज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 9.1 इंटू 10^-31 के जी, एंड चार्ज दैट इज -1.6 इंटू 10^-19 कूलम। सो दीज आर दी वैल्यूज। ऑल राइट,
चार्ज इज डिनोटेड बाय क्यू. इट्स एसआई यूनिट, दैट इज कूलम. इट इज रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल सी. इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला, एम जीरो एल जीरो टी वन ए वन. ऑल राइट, एज वी नो बिकॉज ऑफ मास, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स. एंड फोर्स इक्वेशन इज गिवन बाय एफ जी, जी फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स. इक्वेशन इज रिटन एज जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर. दिस इज योर इक्वेशन. ऑल राइट, बिकॉज ऑफ चार्ज कूलंबियन फोर्स, लेस इलेक्ट्रिकल फोर्स. एक्टिंग, ठीक है, तो उसका इक्वेशन होगा एफ ई इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर. दिस इज द इक्वेशन फॉर द इलेक्ट्रिकल फोर्स. एवरीबॉडी, ये इक्वेशंस आप लोग अच्छे से ध्यान में रखोगे बिकॉज दिस इज इट इज़ नेसेसरी. और बहुत सारे स्टूडेंट को इक्वेशन याद नहीं रहते, इसी वजह से इनको दिक्कत होती है. चले नाउ, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो दो चार्ज है प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, तो दोनों के पास खुद का मास भी है और दोनों के पास खुद का चार्ज भी है. अच्छा, तो इसकी वजह से सपोज करो मैं सबसे पहले, ओके कंसिडर हियर, हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स है, दो इलेक्ट्रॉन्स है और दोनों को मैंने एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर अपार्ट रखा. तो 1 सेंटीमीटर अपार्ट रखने की वजह से इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स जनरेट होगा जिसका इक्वेशन जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर. अच्छा चलिए, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो आप सबको पता होगा वैल्यूज जी दैट इज 6.67 इंटू 10^-11. ऑल राइट, और एम वन एम टू, चूँकि दोनों ऑब्जेक्ट्स के तौर पर हमने इलेक्ट्रॉन लिया है या पार्टिकल के तौर पर हमने इलेक्ट्रॉन लिया है, तो इलेक्ट्रॉन का मास होगा 9.1 × 10^-31 स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर 1 सेंटीमीटर दैट इज 10^-2 मीटर. ओके, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10^-2 मीटर, याद रखना ये चीज़. ठीक है, उसका स्क्वायर किया हमने. तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज, चलो सब लोग अपना कैलकुलेटर निकाल लो और मुझे ये कैलकुलेशन करके दिखाओ, आपको कैलकुलेशन आता होगा. ठीक है, तो अगर हम कैलकुलेट करते हैं 6.67 इंटू 9.1 इंटू 9.1 दैट गिव्स यू 552.34 इंटू 10^2 पावर. ठीक है, -11 -62, क्योंकि 31 × 262 होता है और नीचे -2 × 2 -4, ऊपर जाएगा तो +4, यानी कि आपका आंसर होगा 5.5 × 10^2 - ठीक है, कितना हो जाएगा 67 न्यूटन. ठीक है, ओके, ये आप याद रखोगे.
याद रखने की टेक्निक है 5 5 6 7। तो दो इलेक्ट्रॉन्स को अगर एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर अपार्ट रखा जाता है तो इनके बीच में 5.5 × 10^-67 न्यूटन का फोर्स लगता है, ठीक है ना। चले अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ऑल राइट, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एफ ई इलेक्ट्रिकल फोर्स, तो इसके लिए के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। चले वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, तो 9 × 10^9, 1.6 × 10^-19 स्क्वायर अपॉन 10^-2 स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो जाएगा आपके पास 9 × 1.6 × 1.6 23.04 × 10^9 -38 + 4, यानी ये हो जाएगा 2.3 × 10^-24 न्यूटन। अच्छा यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं तो लाइक चार्जेस के बीच में ऑलवेज रिपल्सिव फोर्स लगता है, ऑलवेज रिपल्सिव फोर्स लगता है, ठीक है। चले उसी तरह से अगर मैं सेकेंड केस ले लूँ, तो सेकेंड केस के अंदर सपोज करो ये एक पार्टिकल, ये दूसरा पार्टिकल। अच्छा दोनों पार्टिकल के तौर पर मैंने पी प्लस यानी कि प्रोटॉन को कंसिडर किया, ठीक है। दोनों पार्टिकल के तौर पर मैंने पी प्लस यानी कि प्रोटॉन को कंसिडर किया। अच्छा और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर है, तो प्रोटॉन का भी खुद का कुछ मास है, तो इसका ग्रेविटेशनल फील्ड जी एम वन एम टू, ग्रेविटेशनल फोर्स जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर से दिया जाएगा। दैट मीन्स 6.67 × 10^-11, 1.67 × 10^-27 स्क्वायर अपॉन 10^-2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है, 6.67 × 1.67 1.67, तो ये हो जाएगा 18.60 × 10^-11 -27 54 + 4, तो ये हो जाएगा 1.86 × 10^2, ठीक है, -50 -10 यानी -60 न्यूटन। ओके ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। चले सेम वे अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, सेम वे अगर मैं बात करता हूँ, ऑल राइट, इलेक्ट्रिकल फोर्स के बारे में, तो एफ ई के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, चूंकि दोनों का चार्ज सेम है 1.6 × 10^-19 स्क्वायर अपॉन 10^-2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू सेम एज इट इज, जो ऊपर है वो ही होगा 2.3 × 10^-24 न्यूटन। अच्छा यहाँ पर भी दो प्रोटॉन यानी लाइक चार्जेस, तो यहाँ पर भी रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ऑल राइट सी अगर मैं यहाँ पर इफ आई चेंज और रिप्लेस वन प्रोटॉन बाय इलेक्ट्रॉन, सो हियर वी हैव वन पार्टिकल इज प्रोटॉन, अनदर पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन, इफ बोथ आर सिचुएटेड 1 सेंटीमीटर अपार्ट, सो हियर ग्रेविटेशनल फोर्स जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर। लेट अस सब्स्टिट्यूट दी वैल्यू, सो 6.67 × 10^-11 फॉर प्रोटॉन, 1.67 × 10^-27 फॉर इलेक्ट्रॉन, 9.1 × 10^-31 अपॉन 10^-2 स्क्वायर। सो आंसर शुड बी 6.67 × 1.67 × 9.1, दैट इज 101.36 × 10^-11 -27 -31 + 4। ओके सो
पावर हो जाएगा। वन पॉइंट जीरो वन इंटू 10^-63 न्यूटन। ऑल राइट, दैट इज योर एफ जी। नाउ हियर, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिकल फोर्स, देन इलेक्ट्रिकल फोर्स एफ ई फॉर्मूला के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। सो 9 × 10^9, 1.6 × 10^-19 स्क्वायर अपॉन 10^-2 स्क्वायर। सो आवर आंसर इज लाइक सेम। ओके, दैट इज 2.3 × 10^-24 न्यूटन। नाउ बिकॉज हियर वन इज प्रोटॉन एंड अनदर इज इलेक्ट्रॉन, सो बोथ आर अनलाइक चार्जेस एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ऑल राइट, ओके। नाउ अभी आपको लगेगा कि सर यहाँ पर आपने क्यू वन और क्यू टू को 1.6 क्यों लिया? बिकॉज मैंने बच्चों यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया है, ठीक है? तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं तो वैल्यू 1.6 रहता है, और इसी वजह से मैंने यहाँ पर लिखा है दैट फोर्स इज अट्रैक्टिव। सो हम बोल सकते हैं, हियर वी कैन से इलेक्ट्रिकल फोर्स हैव टू टाइप ऑफ नेचर। ओके, रिपल्सिव फॉर लाइक चार्जेस एंड अट्रैक्टिव फॉर अनलाइक चार्जेस। ओके, नाउ एवरीबॉडी लिसन मी वेरी क्लियरफुली केयरफुली। ऑल राइट, सो अप टू हियर वी आर अंडरस्टैंडिंग दैट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर कंसिडर्ड एज एलिमेंट्री पार्टिकल्स, बट द ट्रूथ इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर नॉट फंडामेंटल पार्टिकल्स। ओके, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ क्वार्क्स। ऑल राइट भैया, हमने आपको पहले बताया था फंडामेंटल पार्टिकल्स उनको बोला जाता है जिसके बाद कुछ नहीं आता है, ठीक है? जैसे कि मैटर है, उसको हमने एटम से, एटम के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन और अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन लिए थे। बट प्रोटॉन के जब हमने टुकड़े किए तो ऐसा पाया गया कि वो दूसरे मटेरियल क्वार्क से बना हुआ होता है। तो अगर कोई मटेरियल दूसरे मटेरियल से बना होता है तो उसको फंडामेंटल की सीरीज में नहीं रखा जाता। सो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, दैट्स वाई आर नॉट फंडामेंटल पार्टिकल्स, ठीक है? ये किसी और चीज़ से बने हुए हैं, इसी वजह से इनको फंडामेंटल पार्टिकल्स के तौर पर नहीं लिया जाता है, एंड दे आर मेड अप ऑफ क्वार्क्स, ठीक है? तो नाउ लेट अस डिस्कस टाइप ऑफ क्वार्क्स, ठीक है? अभी कितने टाइप के क्वार्क्स होते हैं वो भी समझ लेते हैं। ओके, तो क्वार्क्स के टोटल 6 टाइप होते हैं एवरीबॉडी। क्वार्क्स के टोटल 6 टाइप होते हैं। लेट मी एक्सप्लेन।
टोटल हमारे पास छह टाइप के क्वार्क होते हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहले अप क्वार्क, फिर डाउन क्वार्क, फिर चार्म, फिर स्ट्रेंज, फिर टॉप एंड लास्ट में बॉटम। ओके अच्छा, ये स्पेलिंग मैं थोड़ा सा बड़ा करके लिख रहा हूँ, ठीक है। स्ट्रेंज, टोटल छह टाइप के क्वार्क्स हमारे पास होते हैं, अप डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप एंड बॉटम, ठीक है। नाउ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ईच आर मेड अप ऑफ थ्री क्वार्क्स। चल तो लेट अस डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटॉन। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटॉन, तो जो प्रोटॉन होता है उसका स्ट्रक्चर यू यू डी से दिया जाता है। यू का मतलब होता है अप क्वार्क और डी का मतलब होता है डाउन क्वार्क, ठीक है। अप का एंड डाउन क्वार्क, दो टाइप के क्वार्क होते हैं आपके पास। ऑलराइट, अप क्वार्क की वैल्यू +2/3e और डाउन क्वार्क की वैल्यू -1/3e। चले वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखो फर्स्ट है आपके पास u यानी कि +2/3, सेकेंड भी आपके पास u यानी कि +2/3, और थर्ड आपके पास d मतलब कि -1/3। तीनों में से मैंने ई कॉमन निकाला था। चले तो ये क्या हो जाएगा ना, व्हाट इट विल बी? तो लेट मी ओके, एलसीएम 3 2+2 -1e, सो 2+2 4 -1, दैट मीन्स 3/3, 3/3 मतलब +e, सो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटॉन, करेक्ट। नाउ लेट अस डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूट्रॉन। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूट्रॉन इज रिटन यू डी डी, फर्दर यू फॉर अप क्वार्क, डी फॉर डाउन क्वार्क। अप क्वार्क दैट इज +2/3e, डाउन क्वार्क दैट इज -1/3e। ओके सो हियर वी हैव फर्स्ट यू दैट इज +2/3, सेकेंड डी दैट इज -1/3, थर्ड डी दैट इज -1/3, ई कॉमन। दैट मीन्स इफ आई एम टेकिंग एलसीएम 3, सो 2 -1 -1, ई दैट इज 0, हेंस वी कैन से न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल। Alright, so these are the structure of proton and neutron. Now, in our textbook, these questions
क्वेश्चन इज नॉट गिवन, ओके ये क्वेश्चन आपको नहीं दिया है, पर ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट थी, इस वजह से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई होप सबको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।